हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़ा था रोलिंग में क्या पढ़ा था, रोलिंग में पढ़ा था जो अपना ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स का रिक्रिस्टलाइजेशन इन ऑल्ट रोलिंग, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब अपन आज पढ़ेंगे एलिमेंट थ्योरी ऑफ रोलिंग। इसमें क्या पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स हैं कुछ रोलिंग में जो अपनी यूज होती हैं, वो अपन देखेंगे। तो रोलिंग प्रक्रिया में अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं किसी भी सीट का, जिससे उसकी थिकनेस अपन घटाते हैं। लेट्स सी, जैसे ये अपनी वो सीट है, ठीक है, जिसकी इनिशियल जो थिकनेस है वो एच नॉट है, ठीक है, जो फाइनल थिकनेस है वो है अपनी एच वन, और जिसको थिकनेस को कम कैसे किया है, इन दो रोलरों के बीच में, ये अपने रोलर हैं, इन दोनों रोलरों के बीच में इसको कंप्रेस करा के उसकी जो थिकनेस है उसको कम किया गया है, ठीक है। तो ये होता है अपना रोलिंग प्रोसेस। अब इसमें अपनी कुछ टर्म्स हैं जो वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे। ओके, जो अपनी मेटल सीट का जो डिफॉर्मेशन होता है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनका अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है एब्सोल्यूट ड्रॉट, एब्सोल्यूट ड्रॉट। तो एब्सोल्यूट ड्रॉट क्या होता है, जो अपनी सीट है उसकी इनिशियल और जो लास्ट की फाइनल थिकनेस है उनका डिफरेंस, उसको कहते हैं अपन एब्सोल्यूट ड्रॉट। तो एब्सोल्यूट ड्रॉट अपन जिस सीट में देखें तो क्या होगा, एच नॉट अपनी क्या है, इनिशियल थिकनेस है, और एच वन क्या है, फाइनल थिकनेस है। तो इनिशियल ड्रॉट अपना क्या हो जाएगा, एच नॉट माइनस एच वन, जो एब्सोल्यूट ड्रॉट है इसको एच वन माइनस एच नॉट हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं ड्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्राफ्ट अपना जो टोटल ड्राफ्ट है वो हो जाएगा एच नॉट माइनस एच वन, ठीक है। इसमें एच नॉट क्या है अपना, इनिशियल थिकनेस ऑफ सीट या प्लेट जो भी है, और एच वन क्या है, फाइनल थिकनेस ऑफ सीट और प्लेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एब्सोल्यूट ड्रॉट, एच नॉट माइनस एच वन, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है अपनी वो है रिलेटिव ड्रॉट, तो रिलेटिव ड्रॉट क्या हो जाएगा, रिलेटिव ड्रॉट क्या होता है, जो एब्सोल्यूट ड्रॉट है उसका अपन अनुपात लेंगे, जो अपना रेशो होगा एब्सोल्यूट ड्रॉट और इनिशियल जो अपनी थिकनेस थी उसके रेशो को अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट ड्रॉट, जैसे एब्सोल्यूट ड्रॉट नहीं रिलेटिव ड्रॉट बोलेंगे, सॉरी। तो रिलेटिव ड्रॉट क्या हो जाएगा, जो एब्सोल्यूट ड्रॉट है और जो इनिशियल थिकनेस है, इनिशियल थिकनेस कितनी थी अपनी एच नॉट, ठीक है। अगर इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अब हो जाएगा अपना रिलेटिव ड्रॉट, ठीक है। तो रिलेटिव ड्रॉट क्या होगा, एच नॉट माइनस एच वन डिवाइडेड बाई एच नॉट इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिलेटिव ड्रॉट। नेक्स्ट जो अपनी टर्म है वो है एब्सोल्यूट स्प्रेड, एब्सोल्यूट स्प्रेड क्या है, जो अपनी विथ है उसमें कितना अपना स्प्रेड हुआ है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट स्प्रेड। तो एब्सोल्यूट स्प्रेड अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट स्प्रेड, ये हो जाएगा बी वन माइनस बी नॉट। यहाँ पे बी वन क्या है, बी वन है विथ, फाइनल विथ अपन इसको कह सकते हैं, और बी नॉट है इनिशियल विथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म है अपनी एब्सोल्यूट इलोंगेशन, तो एब्सोल्यूट इलोंगेशन अपना क्या हो जाएगा, एल वन माइनस एल नॉट, यहाँ पे एल वन क्या होगा अपना फाइनल लेंथ,
और एल नॉट क्या होगा अपना इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो ये अब हो गया अपना एब्सोल्यूट इलोंगेशन। नेक्स्ट जो अपनी टर्म है वो है कोफिशिएंट ऑफ इलोंगेशन। कोफिशिएंट ऑफ इलोंगेशन, कोफिशिएंट ऑफ इलोंगेशन अपना क्या हो जाएगा एल नॉट, एल वन डिवाइडेड बाई एल नॉट। यहाँ पे एल वन क्या है अपनी फाइनल लेंथ और एल नॉट क्या है इनिशियल लेंथ, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म है अपनी जो कि रोलिंग प्रोसेस में यूज होती हैं, तो इसको अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे एंगल ऑफ बाइट निकालना, जो अपना एंगल ऑफ बाइट क्या है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अपन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं जिसकी हेल्प से अपन एंगल ऑफ बाइट निकालना सीखेंगे रोलिंग प्रोसेस में। तो एंगल ऑफ बाइट या इसको अपन अब बोल सकते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं डायग्राम में एंगल ऑफ बाइट एक्चुअली है क्या, जैसे कि ये अपनी कोई भी सीट है, इसमें क्या है एच नॉट है इसकी इनिशियल थिकनेस और ये कंप्रेशन के बाद एच वन है इसकी फाइनल थिकनेस, ठीक है। तो ये जो रोलर हैं इनसेस को सप्रेस किया गया है, ठीक है। ये हो गया अपने रोलर जो इस तरह रोटेट करेंगे, ये जो एरिया है ये कॉन्टैक्ट का एरिया है, ठीक है। रोलरों के साथ जो अपनी सीट है उसका ओ क्या हो गया इसका सेंटर हो गया। अगर इसको अपन एक सर्कल मान लें तो लेट इट ए और ये हो गया अपना बी। तो अब ये रोलर अगर ये सर्कल है तो ये इसकी क्या है रेडियस, रेडियस रेडियस को अपन क्या मानेंगे आर। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, जितना अपना जो रोलर का जो पार्ट है वो कॉन्टैक्ट में है सीट के साथ उस एंगल को बोलेंगे अपन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अल्फा, ये अपना अल्फा। क्योंकि तो अपना ये चाप जो कॉन्टैक्ट में है अपना सीट के साथ, तो इस एंगल को अपन बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और एंगल ऑफ बाइट, ठीक है। अल्फा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए अपनी ये टोटल ड्राफ्ट कितना है एच वन, टोटल ड्राफ्ट क्या है अपना रिडक्शन इन थिकनेस, टोटल रिडक्शन इन थिकनेस कितना है एच नॉट माइनस एच वन, ठीक है। एच वन जो फाइनल थिकनेस है वो है, तो एच नॉट माइनस एच वन टोटल ड्राफ्ट है। तो एक अपने एक सर्किल से कितना एक रोलर से कितना अपना रिडक्शन होगा वो इसका होगा इसका आधा। इसका मतलब क्या है इसको अगर मैं सी दे दूँ ये ओ हो गया और ये डी, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लेंथ है डी सी टोटल रिडक्शन अपना एच नॉट माइनस एच वन है, ठीक है। जो डी सी है वो होगा अपना एच नॉट माइनस एच वन डिवाइडेड बाई टू। ये क्यों हुआ ये समझ में आ गई, क्योंकि आधा रिडक्शन तो अपना ये जो अपना लोअर रोलर है उससे होगा और आधा रिडक्शन होगा अपना अपर रोलर से। तो अपन केवल कैलकुलेशन अपर रोलर के लिए कर रहे हैं, तो जो डी सी अपनी जो ड्राफ्ट है जो कितना होगा एच नॉट माइनस एच वन बाई टू, क्योंकि आधा इससे होगा आधा इससे होगा। तो टोटल एच नॉट माइनस एच वन है, तो जो डी सी लेंथ है वो हो जाएगी एच नॉट माइनस एच वन बाई टू, ठीक है। अब देखिए इस ट्राइंगल को लीजिए ओ ए डी, ये त्रिभुज है ए ओ डी। ए ओ डी किस तरह का आपको दिख रहा है, ये ओ है इसमें थोड़ा रस हो गया इसलिए दूसरा बना लेते हैं, ठीक है। ये अपनी क्या है रेडियस आर है,
और ये अपना एंगल है अल्फा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ओके, अब ये देखिए, ये अपनी लाइन है पूरी ओ ए सी। ओ ए सी में अपन को डी सी पता है, डी, ठीक है। ओ सी क्या है अपना, ओ सी अपना रेडियस है, तो ओ डी कितना हो जाएगा, ये ओ डी, ओ डी की अगर अपन कैलकुलेशन करें तो ओ डी होगा अपना आर माइनस एच नॉट माइनस एच वन डिवाइडेड बाई टू। ये कैसे हुआ एक बार दोबारा से समझ लीजिए, ये टोटल लाइन ओ सी अपनी क्या है, रेडियस है, ओ सी रेडियस है, और डी सी की लेंथ अपन को पता है, डी सी क्या है, एच नॉट माइनस एच वन बाई टू, तो ओ डी अपन ईजिली निकाल सकते हैं। अगर रेडियस में से अगर एच नॉट माइनस एच वन बाई डिवाइडेड बाई टू मतलब डी सी को घटा दें तो अपनी क्या आ जाएगी, ओ डी, तो ओ डी की लेंथ ये रही अपनी, ठीक है, ये अपना ओ डी हो गया। अब इस ट्राइंगल में देखिए, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री, ये रेडियस, तो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा होगा अपना आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से अपन इसको समझ सकते हैं, लाल बटे कक्का जो अपने बहुत पहले पढ़ रखा होगा, साइन कॉस और टेन, तो अपन क्या ले रहे हैं, कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, तो कॉस अल्फा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू आधार बटे करण को अपन क्या लिख सकते हैं, रेडियस लिख सकते हैं ओ ए, ठीक है। अगर इसको एच नॉट माइनस एच वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ से अपन आर कॉमन ले सकते हैं, तो एच नॉट माइनस एच वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू आर कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा, वन माइनस कॉस अल्फा, ओके, वन माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। तो अगर इधर देख लेते हैं, वन माइनस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसको डिवाइड कर देंगे इसके नीचे, एच नॉट माइनस एच वन डिवाइडेड बाई टू आर, ठीक है। तो कॉस अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस एच नॉट माइनस एच वन डिवाइडेड बाई टू आर, ठीक है। और टू आर को अपन क्या ले सकते हैं, टू इंटू आर इज इक्वल टू डायामीटर लिख सकते हैं, डाय आर डी, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वन माइनस एच नॉट माइनस एच वन डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो ये अपनी कैलकुलेशन है, एक छोटा डेरिवेशन फॉर कैलकुलेटिंग कॉस अल्फा। आई होप के आपकी समझ में आया होगा। यहाँ पे अपना अल्फा क्या है, एंगल ऑफ बाइट है, एच नॉट क्या है, इनिशियल थिकनेस, एच वन क्या है अपनी फाइनल थिकनेस, और डी क्या है, डायामीटर ऑफ रोलर जो अपन यूज कर रहे हैं रोलिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो ये एक डेरिवेशन था छोटा सा, आप इसको घर पे करके देखिए एक बार, जो समझ में नहीं आए तो एक बार मुझसे पूछ भी सकते हो आप बात चेक करके।